हेलो। हाँ, कैसे बेटा? बढ़िया बढ़िया हो? और अभी कहाँ हो? जस्ट नाउ। सर, अच्छा, एम्स दिल्ली था। तो आर यू चेस में कितना स्कोर बना आपके? 93। तो हंसराज, आपका पूरा नाम क्या है और आपके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो आप बेटा? मेरा नाम हंसराज सिंह राजपुरोहित है। मेरे पापा जी का नाम नेहरू सिंह जी है ओके। और माता जी गौरी देवी नाम है, और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से बिलोंग करता अच्छा, बाड़मेर से हो आप? बाड़मेर वालों से तो वैसे बहुत लगाव होता है यार। और इतनी दूर से, मतलब मेहनत करके, सेल्फ स्टडी करके तो 93 मार्क्स लाए, तो कैसा अचीव हो रहा है? कि मतलब पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा आपको, आपके पेरेंट्स को, कि जो अपन ने मेहनत करी वो मेहनत रंग लाई। तो किस तरह का फीलिंग आ रही है आपको, कि किस तरह की पॉजिटिव वाइब्स आ रही है अभी? क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी बात पहले भी हुई थी, तो उस समय आपके एम्स के अंदर स्टूडेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूंगी, इस बच्चे के एम्स के अंदर, एम्स पैरामेडिकल के अंदर ऑल ओवर इंडिया रैंक थर्ड है, और जिसकी मैं अभी आपके सामने लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, बाद में आप देख लेना। और अभी RUHS BSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में 93 मार्क्स आपके आए हैं, तो आप थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिएगा। और आप मुझे एक बार ये पहले बता दीजिए किस तरह का महसूस हो रहा है कि दोनों एग्जाम के लिए। और एक और चीज़, हाँ, आपका नीट का स्कोर भी मैं बता दूँ, नीट में आपके 640 मार्क्स, राइट? हाँ, तो ये तीन नौ, क्योंकि नीट में 640 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किस तरह का महसूस हो रहा है अभी आपको? वैसे तो ये खुशी सर शुरुआत से ही नीट में पहले हो गई थी, बट पता नहीं इस बार कट ऑफ थोड़ी देखा असल क्योंकि लेकिन इस तो बार क्या काफी है, नहीं गई। 600+ काफी बच्चे आ गए। हाँ तो फिर नीट में तो थोड़ा सा लगा, पहले तो लगा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा जो खुशी थी वो थोड़ा गम में बदल गई। कोई बाकी बात नहीं, फिर गम एक क्या एज हुई आपकी? अभी तो सब कुछ नहीं, 19 साल का ही हूँ। अरे तो यार मस्त रहे, आराम से अपने इस बार अपन फोड़ेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। जिस तरीके से नर्सिंग वाली टेस्ट सीरीज हेल्पफुल रही, ये भी काफी हेल्पफुल रहने वाली है आपके नीट में। और इस बार अपन 700+ का स्कोर करेंगे, टेंशन ना ले, मस्त। और अभी जस्ट नाउ, मतलब जो जहाँ पर अभी आप हो, तो अभी एम्स का एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखा सकते हो बच्चों, कहाँ पर क्या चीजें, यहाँ से अगर जो जो चीजें दिखा सकते हो। तो वैसे तो अब मैं एम्स की लाइब्रेरी से बाहर आया हूँ, पढ़ के भी आया था, अच्छा, तो सेल्फ अब स्टडी देखा कर जाऊँ रहे के थे? ये एम्स का कैंपस कह दो, ये हॉस्टल्स है एम्स के हाँ, सामने, हॉस्पिटल्स ब्लॉक है, कन्वर्जेंस ब्लॉक और राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र और न्यू ओपीडी करके है, राजकुमारी अमृता कौर जो इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी उनके नाम पे वो ब्लॉक वगैरह बन रखे है। बाकी ये कैंपस वैसे तो मैं आउट में ही हूँ, बाकी अंदर कैंपस पूरा है, जैसे मैं आपको मेन बता पाता तो शायद उस साइड होता पूरा बताता कि कोई नहीं, मेन कभी मेन और क्या दोबारा क्या। वीडियो कॉल कर लेंगे जब, और दिखा देना दिन में बच्चों को। अब जो मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार थोड़ा सा बच्चों को ये बताइएगा कि किस तरीके से GS फ्रेंड से आपका सफ़र जुड़ा और किस तरीके से आपकी हेल्प मिली, एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को आप पॉजिटिव में बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए। हाँ मतलब कोरोना के बाद से जब से हम ऑनलाइन की ओर थोड़ा सा रुक हुआ है, तब से शुरुआत हुई कि यूट्यूब पे कुछ देखते हैं भाई कहाँ से शुरू करें कंटेंट को, तो जैसे कंटेंट डाला तो पहले बहुत सारी आई, तो आपकी कोचिंग जैसे अपने जीएस प्लानेट से रुक हुआ, तो पहले जीएस प्लानेट में कुछ टाइम शुरुआत वहीं से हुई, फिर धीरे धीरे जैसे कोई टॉपिक्स का डाउट हुआ तो शुरुआत में आपकी सीरीज आई 75 डेज वाली, 75 आवर सीरीज फिर तो एक अलग ही लेवल की सीरीज थी। 75 दिन तक बिना स्टॉपेज के क्लासेस ली थी मैंने एक दिन भी, क्योंकि उसका नाम लेते मेरे को खुद को एनर्जी आ जाती है। तो पूरी देखी थी बायोलॉजी वाली, पूरी की पूरी 75 दिन आपने भी? यस सर 75 दिन रेगुलर थी वो, उसी से मेंटेन हुई शुरुआत में, फिर जैसे कि रफ्तार सीरीज हो गई अपने और फाइटर सीरीज हो गई और एंड में रफ्तार कुछ मैंने सीरीज में कुछ नीट टेस्ट में हो एम्स गए। में दोनों में हेल्प करी है। हाँ तो नहीं मतलब चारों से मिलके रेगुलरिटी हो गई और क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपको तो क्या कहे, आप मतलब 75 आवर्स पढ़ा सकते हो तो आपको भी सल्यूट है, मतलब नहीं यार, तीन सल्यूट। आप सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पढ़ने वाले की कैपेसिटी कितनी है। अगर आप इतनी देर नहीं पढ़ पाते, रेगुलेट नहीं बन पाते, तो हमारी ये कैपेसिटी किस तरीके से बन सकती है? और सबसे बड़ी चीज़, जो 12 12 घंटे के मैराथन क्लासेस लिए, उसका फ़ायदा मिला आपको पेपर के अंदर?
तो मिला ही, तभी तो इतना मार्क्स हो पाया है। एक्यूरेसी बढ़ गई है और क्वेश्चन सेम जैसे कि सामने आ रखा है, स्क्रीन वाला पेपर सीधे, स्क्रीन वाला क्वेश्चन सीधे पेपर में आ रखा है। हाँ, ये एकदम वाज एफएसटी और ये जो अपनी रैंकर्स बुकलेट थी ना उसमें 90 क्वेश्चंस लगभग मैच कर रहे हैं डायरेक्ट, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, सबसे बड़ी चीज वो होती है। और एग्जाम में वही 90 क्वेश्चन अपने अपने पढ़ाते हुए टीचर, उसमें से 10 क्वेश्चन रैंक डिसाइड करता है या फिर आपकी कॉलेज डिसाइड करता है कौन कहाँ जाएगा। बिल्कुल, 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा वो रहता है, बाकी तो सेम क्वेश्चन ही थे। और एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने ये इतने अच्छे तरीके से तैयारी करी, जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को मैं बोल देता हूँ थोड़ी हमारी दोनों की वीडियो क्लियर नहीं आ रही, अभी ये बच्चा जब जयपुर आएगा तो फिर मैं आपसे एक बार लाइव रूबरू करवा दूंगा और अच्छी क्लियरिटी के साथ, क्योंकि अभी बच्चा एम्स के अंदर है और अभी नीट की तैयारी आप कंटिन्यू कर रहे हो, रिजल्ट आने तब भी अभी भी नहीं छोड़ी आपने, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, सीरीज रिवाइज कर रहे हो सारी। हाँ, मतलब जब ख्वाब देखा था तो शुरुआत में एमबीबीएस का देखा था, जैसे आपने छोटे भाई, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो वो एक दिल में क्या ख्वाहिश आती है उस जगह, उस समय क्या दिल के अंदर ख्वाहिश आती है? वैसे तो मतलब कहना नहीं चाहिए, वैसे तो डॉक्टर्स के लिए इज्जत है, बट अपना जो सपना था वो कंप्लीट नहीं होना थोड़ी बहुत जलन रहती है कि ये ख्वाब मेरा बेटा है गले पे चढ़ वो। और वो मतलब एक फीलिंग आती है कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, उनको देख के एक रहता है कि हाँ, बस एक बार क्लियर हो गया तो फिर अपन भी इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। बस बस यही मैं चाहता हूँ कि ये जो फीलिंग्स है ना आपके अंदर भी पॉजिटिव वाली आए, कि मतलब ये जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक्यूरेसी आपने इतनी एंट्रेंस एग्जाम दी इनमें आपकी अच्छी एक्यूरेसी है, और ऑन बॉर्डर नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड? सेकंड था सर, फर्स्ट में तो 584 स्कोर हुआ था, सेकंड में 640। कोई दिक्कत नहीं, इस बार बढ़िया खेलोगे आप, मेरा वादा है। और लास्ट में जब है ना आप मेरे पास यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे नीट वाली, तो उसमें आ जाना, इस बार बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज और कर रहे हैं इस बार नीट के लिए, और बहुत अलग लेवल पे मेहनत करने वाले हैं। और नर्सिंग के लिए क्या कहना चाहोगे, कितना घंटे पढ़ना चाहिए बच्चों को केवल नर्सिंग के लिए, अगर हम लोग गाइड करना चाहें तो? मैं तो यही कहना चाहूंगा बच्चों को, अगर आपने वैसे नर्सिंग की जो तैयारी करता है वो पहले नीट की भी शायद करता ही है, लगभग 50% तो 80% लगभग करते ही है, तो आपको भी बताया कि नर्सिंग में आपको सिर्फ 12th आती है और नीट में आपकी 11th 12th आती है, तो आपने अगर 11th का बेस बना रखा है तो नर्सिंग 11th का बेस बना रखा है नीट के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए नर्सिंग अगर रेगुलर टीम है तो नर्सिंग आपके लिए बड़ी बात नहीं रही, और साथ में जीएस प्लानेट का साथ दे दो, रेगुलरली फोकस रहो, इनकी बात मान लो, तब तो 90+ से तो कोई रोक ही नहीं सकता सिवाय आपकी खुद की। बिल्कुल, अपना एफर्ट और आपकी मेहनत दोनों से तो 90+ कंफर्म। और एक चीज और बताओ, जैसे जो नर्सिंग की तैयारी कर रहा है उसको केवल नर्सिंग की तैयारी करनी चाहिए साथ में नीट की, ताकि एक्यूरेसी बढ़े उसकी, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर नर्सिंग की तैयारी केवल वो 12th पढ़ता तो उससे क्या कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि मेरा सीरीज में जो लेवल रहता है ना वो पूरे नीट वाले क्वेश्चंस के रहते हैं, तो उसमें बच्चे कहते हैं कि सर ये इतने टिपिकल क्वेश्चन करवा रहे, तो उससे आपको फायदा मिलता है? मैं बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन करवा रहा, इससे फायदा मिले अगर आप मैं मतलब मेंटली थिंकिंग देख लीजिए देखेंगे तो जैसे कि अपन टारगेट 60 का रखते हैं तो मार्क्स 50 आते हैं, और अपन अगर अपन टारगेट 650 का रखते हैं तो मार्क्स 620 आते हैं, अगर अपन टारगेट मीडियम लेवल के क्वेश्चन का रखेंगे तो अपने इजी वाले होंगे, मीडियम वाले नहीं होंगे, और अपने एग्जाम में लगभग मीडियम वाले होते हैं तो अपने को लेवल हार्ड का रखना पड़ेगा, जैसा कि आपने रखा हार्ड का रखा तो मीडियम वाले सारे हो गए और वो हो गए, अपना सिलेक्शन हो गया। हाँ यही है, क्योंकि फिर वो क्या है, वो जो अपन पढ़े बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन और फिर वो वहां पर टिके लग रहे थे, हलवाई लगा टक 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 खत्म। कितनी देर में पेपर अटेम्प्ट कर लिया था, सही बताना, 2 घंटे का पेपर कितनी देर में अटेम्प्ट कर लिया था नर्सिंग वाला? मेरी तो स्पीड से नीट में इतनी हो रखी थी कि 1 घंटा 20 मिनट में तो पेपर हो गया था। सही है, यही चीज चाहिए, कि बहुत है यार 20 मिनट के अंदर, 1 घंटे 20 मिनट ज्यादा, इनके 40 मिनट और फिर दोबारा एक बार पेपर को देखा क्या? एक ये आज मैं एक नई चीज पूछना चाहता हूँ, आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये शायद एक क्वेश्चन पहला आपसे मैंने कभी किसी से नहीं पूछा और ये क्वेश्चन अभी आया तो शायद पूछ लेना चाहिए, आप उस चीज का थोड़ा अच्छा आंसर दोगे। पेपर जैसे आपके हाथ में आया, आपको लम्हा याद आ रहा होगा,
और जैसे पेपर आपके हाथ में आया तो आपने सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? मेरा तो मतलब यही ट्रेंड रहता है कि आपको इजी जिसको आपको जिसपे पूरा कॉन्फिडेंस है उसको वहां जाना चाहिए पहले। जैसे कि बच्चों के बायो में केमिस्ट्री में नर्सिंग में तो पकड़ पूरी रहती है, हर कोई स्कोर कर लेता है। दिक्कत फिजिक्स में आती है जो बच्चों को डिफ्रेंशिएट कर देती है कि कौन कितने मार्क्स पे जाएगा कौन कितने मार्क्स पे जाएगा। मेरा बायो में जैसे कि आपको सब याद है तो पहले बायो केमिस्ट्री बायो को कंफर्म कर लो 34 34 क्वेश्चन, उसमें जो भी जैसे सॉल्व करना स्टार्ट किया दो तीन डाउट लगे कि इनमें डाउट है तो गोले लगा लो। तो थोड़े लगा दो, फिर आप सेकंड राउंड में आ जाना। फिर क्या अपने पहले तो यही डाल के देना चाहिए आपका पेपर कंप्लीट हो, फिर हाँ चले जाओ केमिस्ट्री पे। फिर चले जाओ केमिस्ट्री पे, आपके 33 क्वेश्चन है, आपको जो भी आ रहा है तो आप 30 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन लगभग लग गया कि अपने को नहीं आ रहे तो उनको भी गोले लगा दो। फिर आपको लग रहा है अपना वीकर सेक्शन फिजिक्स है तो आपने लगभग मैंने तो लगभग 40 मिनट दोनों को 30 मिनट 40 मिनट कर दिया बायो केमिस्ट्री। फिर जिनका वीक रहता है वो आराम से फिजिक्स पे अप जाएगा आपका। फिर क्यों लोड सीधा फिजिक्स में चले गए, क्वेश्चन नहीं हुए, फिर मार्क्स जहाँ स्कोर होना था वो टाइम नहीं होगा और स्कोर भी नहीं हो पाएगा। और आराम से अगर इधर आपने टाइम दे दिया बायो केमिस्ट्री का लोड खत्म, आराम से फिजिक्स को करो जहाँ गलती नहीं होनी, कैलकुलेशन फिजिक्स में ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो गई, आराम करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक जो होनी चाहिए वो अपन सिली मिस्टेक कहते हैं वो बच जाएगी और आपका मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएगा और आपको अपना जो कॉलेज मिलेगा जो कॉलेज मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा। बाकी अपने नर्सिंग एग्जाम की ये बढ़िया बात है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। हाँ, सबसे बढ़िया पैरामेडिकल के अंदर पेपर था लेवल का, इनको ये एक बार ये बताओ कि पैरामेडिकल का लेवल देखना नीट के बराबर आया था, क्योंकि नर्सिंग वाला तो कुछ भी लेवल नहीं लग रहा होगा उसके सामने। कोई कोई नहीं, नर्सिंग का थोड़ा बहुत फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन देख लो तो भाई के डाटा का बेस्ड हो या फिर थ्योरेटिकल हो वहाँ दिक्कत हो तो, बाकी में तो दिक्कत थी नहीं। केमिस्ट्री में बायो में सामने दिख रहा है कि इसका आंसर ये इसका आंसर ये इसका आंसर ये। चलो बहुत बढ़िया लगा, बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिला। और अब अभी भी अभी अभी फिलहाल जस्ट नाउ कितने घंटे पढ़ाई कर रहे, सही से बताना ताकि वो बच्चे घर पे बैठे उनको पता लगना चाहिए कि मतलब सिलेक्शन के बाद भी मेहनत अभी भी जा रही है, क्योंकि अपन को उस अलग लेवल के मेरा मतलब बच्चों से यही कहना है कि जिंदगी में आप अपना एफर्ट डालो, रिजल्ट क्या है नहीं है उस पे अगर आप सक्सेस हो तो भी रुकना नहीं है। मतलब आजकल जो कंपटीशन हो रखा है इस कंपटीशन में आपको खुद को एफर्ट डालते रहना है, भले कुछ भी हो जाए आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप जितना बढ़िया कर सको अपनी लाइफ में इतना ही नहीं है, आप एक लिमिट तक रहो, कभी नर्सिंग हो गया उसके बाद कुछ नहीं, या फिर पैरामेडिक में हो गया उसके बाद कुछ नहीं, ट्राई करते रहो। रिजल्ट क्या है उस पर आपका कोई हक नहीं है, आप बस एफर्ट डालो रिजल्ट आएगा, उस दिन अपने आप ही आपका नाम हो जाएगा, अपने आप ही रिजल्ट आपको मतलब उस मुकाम तक पहुंचा देगा इसके लिए आप बने, बस ट्राई करते रहो, हार मत, नेवर गिव अप एटीट्यूड। गुड 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 ग्रेट, यही चीज़ है। और ये अब अभी लगे रहे हो तो अब मैं हाँ बात बात रह गई अपनी वाली, अभी कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी लगभग लगभग? हाँ वैसे सर ये एम्स के रूल्स रेगुलेशंस काफी मतलब जो भी आप टाइमिंग दी है फॉलो करनी होती है, तो मेरा शेड्यूल ये रहता है कि सुबह 6:30 या 6 बजे लगभग 6:30 बजे उठ जाता हूँ और 6:30 के बाद 7 बजे तक स्नान वगैरह किया, फ्रेश वगैरह ब्रश वगैरह करके 7 से 7:30 या 8 बजे तक 1 घंटा पढ़ लेता हूँ। सुबह 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 पढ़ना मेरे थोड़ी आदत रखी हुई, 8 घंटा सुबह रिवाइज कर लेता हूँ। फिर 8 से निकलता हूँ तो एम्स के कैंपस में आके कैंटीन में ब्रेकफास्ट करके पोस्टिंग रहती है हमारे 8:30 से 4 बजे तक हॉस्पिटल में। ठीक है, भी उस पोस्टिंग में हम सीखते भी है क्या हो रहा है हमारे, क्या जो भी टॉपिक्स है जैसे कि पैरामेडिक में रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है तो जो भी मेरे एक्सरे वगैरह जो भी टॉपिक वो सीखता हूँ प्रैक्टिकल के फॉर्म में, पेशेंट्स वगैरह कैसे करते हैं हमारे रेडियोग्राफर्स वगैरह, बीच में क्लास होती है तो क्लास में चले जाते हैं, फिर 4 बजे हमारी पोस्टिंग ओवर होती है तो मेरा यही रहता है कि बीच में लंच करके और 4 बजे यही फिक्स रहता है, 4 बजे निकलते ही मेरे को लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी जाके जो भी मेरे को अभी जितना पढ़ने का मन करे उस हिसाब से 4 से 7 बजे 7 तक लगभग 6:30 तक पढ़ता हूँ, फिर घर वालों से बात करता हूँ आधा घंटा। हाँ ये सबसे बड़ी चीज है, एक एक सेकंड में रोकना चाहूंगा, मतलब कई बच्चे क्या करते हैं फैमिली से बात करना छोड़ देते हैं, तो बात करनी चाहिए ना, बात परिवार से तो बात करनी चाहिए। आप उनके बिना आप अधूरे हो, उनसे बात नहीं करोगे जो आपके लिए मतलब अपना मतलब मेहनत डाल रहे हैं, आपके लिए पैसा भेज रहे हैं,
आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते जिंदगी में। आप फिर क्या ही मतलब है आप इतनी मेहनत का, इतनी पढ़ाई जिंदा का? नाम मात्र के लिए जिंदा हो, उनके लिए आपका टाइम नहीं है तो शायद ये आपकी बहुत बहुत बड़ी गलती बहुत है। बड़ी सलूट है इस बात के लिए। आपके पेरेंट्स को भी सलूट है कि भाई आपको इतना पॉजिटिव वे में इतनी दूर भेजे कि बाड़मेर से दिल्ली कितना दूर है। और अभी मैं एक और वीडियो में अपन लाइव आएंगे जिसमें अपन पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर करेंगे कि एक्साइटमेंट रहता है कि एम्स दिल्ली मिलने के पश्चात किस तरह का माहौल रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा आज का। फिर उसके बाद शाम को कितने बजे तक, रात के, फिर आपने मम्मी पापा से बात हुई उसके बाद? उसके बाद 8 से लगभग 8 से 9, 9:30 कभी कभी थक जाते हैं तो 9:30 तो 9 बजे निकल जाते हैं, और फिर 9:30 से 9 बजे तक 9:30 तक जाते हैं कैंटीन पे, कैंटीन में खाना खाया और फिर रूम की ओर निकल लिए, तो आधा घंटा वहां पहुंचने में 10:30 10:30 11 बजे सो जाते हैं, नहीं तो फिर कभी कभी हाईएस्ट 11 बजे, सही, ज्यादा मतलब फिर ये रील राल इनके लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी। नहीं अब नहीं है, पहले जैसे कि फ्री थे तो क्या हॉस्पिटल अंदर साथ में है तो थोड़ा टाइम नहीं था, पहले दिन की पढ़ाई थी अब तो मिल जाता था। रील की दुनिया से बाहर आकर रियल लाइफ में जी रहे हो आप। अब टाइम यू है सरपास बढ़िया तरीके से हो रहा है, पहले भी जैसे कि पूरे दिन पढ़ाई करते तो थोड़ा बहुत रील वगैरह देख लेते थे, अब यू नहीं है, अब हॉस्पिटल में रहते हैं सामने रियल लाइफ चलती है, फिर शाम को पढ़ाई करनी पड़ती है, दोनों ही दोनों को एडजस्ट कर दीजिए। वो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन है कि यार ये कर रखे हैं तो मैं भी कुछ अच्छा करूं। तो वो रियल लाइफ में जी रहे हो आप, रील के साथ साथ रियल लाइफ में, उस वो एक वो ही मोटिवेशन है आगे बढ़ने का। यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर छोटी बहुत भी सफलता मिले तो आपको वो मेंटली वो काफी सपोर्ट करती है, जिससे आप मतलब आगे और बढ़ सकते हो, इसलिए शुरुआत करो, छोटे छोटे स्टेप्स ट्राई करो, बड़े पहले ट्राई बड़े स्टेप्स के लिए करो, अगर वो नहीं मिले तो छोटे स्टेप पर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप छोटे स्टेप से भी आप बड़े मुकाम तक जा सकते हो। बहुत बहुत बढ़िया, तो अच्छा लगा हंसराज। अभी लेट हो रहे होंगे आप, 10 बज गए होंगे तो पीजे वगैरह गेट वगैरह बंद होने का, क्योंकि रात के लगभग आप, मैं ये घड़ी भी मैंने चालू रख रखी, स्क्रीन रिकॉर्ड जो चल रहा है, तो रात के 10 बजने वाले हैं, तो रात का समय है। और ये इसके सच में बता रहा हूँ, तेरे जो चेहरे की जो स्माइल है ना, वो मुझे खुद को एक पॉजिटिव वाइब्स दे रही है कि यार इतनी मतलब उस चीज़ के उस दौर से निकल कर और फिर वो सारे मुकाम हासिल कर फिर भी चेहरे पर स्माइल है। और यही मैं सब बच्चों से कहना चाहूँगा, भाई आप चेहरे पर स्माइल जरूर रखना, जिंदगी में से किसी भी तरह की परिस्थितियों कभी भी उतार चढ़ाव आते रहे, बस मुस्कुराते रहे, जैसे ये हंसराज मुस्कुरा, ऐसे मैं हंसता रहता हूँ हमेशा। ठीक है, बुरा हुआ तो भी हंसो, अच्छा हुआ तो भी हंसो, मेंटली फ्री माइंड से काम करो, ठीक है हंसराज? काम करो तो क्या हाँ होता है, क्यों होता है वो आप कोई मतलब दुनिया से, अपना काम करो, सही है सही है, यही है, ठीक है, जय हिंद जय भारत।